हेलो दोस्तों, आपके इस वीडियो में स्वागत है। यार आज हम बात करेंगे सिंपल से कि कुछ लोग एनजाइटी में से बाहर क्यों नहीं आ पाते। कुछ लोग की बात करें मतलब 100 से कम 50 से 55% लोग एनजाइटी से कभी बाहर नहीं आ पाते, जो कि एक उनका लाइफस्टाइल बन जाता है कि दवाइयों के साथ ठीक रहेंगे, वो भी बहुत टाइम बाद। ये नहीं कि मतलब दवाई ले रहे ठीक होना, मतलब 1 साल लग जाएगा उन्हें ऑलमोस्ट, क्यों दवाइयों के साथ ठीक रहना स्टार्ट हो जाएंगे, बट उसमें भी आपको सिम्टम्स परेशान करते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि क्यों बाहर नहीं आ पाते। तो यार ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो जब आपको एनजाइटी होती है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। ट्रस्ट कैसा, आपको कुछ भी सिम्टम्स होता है ना, तो आप सोचते हो कि मुझे कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिम्टम्स आपको एनजाइटी होने से पहले भी होते थे और अब हो रहे हैं, तो आप इसको नोट करने लग जाते हो। एनजाइटी में क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं, काफी ज्यादा नोटिस करते हैं कि हार्ट बीट हो रहा है, हार्ट तेज बीट कर रहा है, चेस्ट में गैस बन गई तो ये तो हार्ट अटैक का डर है, पेट खराब हो रहा है नॉर्मल तो वो कुछ है, गैस बन रही है तो वो कुछ है, और ये जो वो तो चलो ठीक है। उसके बाद जो आप ये MBBS करते हो ना, खाली MBBS एक भी तो हट ही जाता है क्योंकि गूगल से करते हो, तो उसके बाद अपना डायग्नोसिस खुद बनाते हो, अरे मेरे को ये सिम्टम्स है। हाँ गूगल ने कहा, सामने से आके बताओगे मेरे को तो ये है मेरे को तो वो है, अरे भाई कहाँ चीज़ों में पड़ गए तुम लोग, ये सब चीज़ें छोड़ो। और जब तक ये करोगे तो एनजाइटी में तुम्हारा आया नहीं जाएगा। तो पहली बात है कि अपना सेल्फ डायग्नोसिस बिल्कुल नहीं करते, जो कि लोग बात सबसे ज़्यादा वही करते हैं कि ये सिम्टम्स किस बीमारी में होते हैं, ये तो यही बीमारी है। दूसरा, एनजाइटी में ट्रस्ट में क्या खत्म होता है, हम किसी डॉक्टर को दिखाएंगे वो आपको नॉर्मल बोलेगा, आप उसको नॉर्मल कंसीडर करोगे ही नहीं कि यार ये नॉर्मल कैसे है, ये तो वैल्यू गलत है, डॉक्टर फिर भी नॉर्मल बोल रहा है। फिर आप अलग डॉक्टर के पास जाओगे, फिर अलग के पास जाओगे, लोग बाग आराम से 25-30 डॉक्टर बदल देते हैं। उसके बाद आपको लोग बाग बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, आप विश्वास ही नहीं करोगे कि यार मेडिटेशन से थोड़ी कुछ होता है, मेडिटेशन तो बकवास चीज़ है, ये तो फालतू की चीज़ें हैं, काउंसलिंग वगैरह थेरेपी सब फालतू की चीज़ें हैं, इसमें तो सब लोग लूटते हैं। आपके मन में ये मतलब बिठा दिया है, और आपके मन में ये बिठा दिया कि सब कुछ दवाइयों से ही ठीक होगा, जो कि दवाइयों से भी नहीं होता सब लोगों को ठीक। दवाइयाँ हेल्प करती हैं बट आपको खुद भी तो करना पड़ता है कुछ। तो ये सब हो गया आपका मेडिटेशन वगैरह, ठीक है, क्योंकि आप लोग करते ही नहीं हो। और रही बात जो मैंने पहले टेस्ट वगैरह की करी थी, तो यार देखो उस स्टेट में क्या हो जाता है, आप अपने इतने ओवर डायग्नोसिस करा देते हो, इतने ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, दुनिया भर के टेस्ट, मतलब जितने लिमिटेड बने होंगे ना सभी करा लेते हैं ऑलमोस्ट, जिसके पास पैसा है वो सारा टेस्ट कराता है। तो यार देखो आप, कई लोगों का क्वेश्चन आता है मेरे इस टेस्ट में ये आया, अगले में और तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, वो तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं, ये अवॉइड करो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और आता है एनजाइटी में आपका, कि आप को लोग बस सजेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा मत सोचो, तो आपको ये फैक्टर और आता है माइंड में कि यार ये वैसे कैसी बकवास कर रहा है, मैं मतलब ये मेरे को आइडिया पहले नहीं आ सकता था कि मैं सोच रहा हूँ, तो आप लोगों पे नफरत भी करते हो धीरे धीरे, और आपका फोकस आपके ऊपर इतना चला जाता है कि यार बस मैं ठीक हो जाऊँ, दुनिया जाए साली बाढ़ में, आपका बिल्कुल इसी टाइप की कंडीशन बिल्कुल बन जाती है। तो देखो एनजाइटी में से बाहर आने के लिए ना आपको कुछ कुछ चीज़ों से ना परहेज करना पड़ेगा। जैसे आप मान लो कोई बीमारी हो जाती है आपको, तो आप क्या करते हो, भाई डॉक्टर साहब बोलता है ना कि भाई परहेज करो, ये करो, जब भी दवाई ये काम करेगी, तो एनजाइटी में भी ना कुछ कुछ चीज़ों का परहेज करना होता है, जो कि कोई लोग नहीं करता है, डॉक्टर बताते तो आप लोग उसको अवॉइड कर देते हो। तो एनजाइटी में सबसे ज़्यादा लोग बाग परहेज जो चीज़ जिस चीज़ का बोला जाता है करने के, सबसे ज़्यादा वही करते हैं, नेट चलाते हैं, गूगलिंग करते हैं, अपनी बीमारी खुद डायग्नोस करते हैं, डॉक्टर को तो गधा समझने लग जाते हैं, मतलब खुद के ऊपर सारी टेंशन ले लेते हैं, और छोटी से छोटी मूवमेंट को अपनी बॉडी के साथ इतना ज़्यादा उसको ओवर डायग्नोज बना लेते हैं, खुद इतना सब कुछ कर लेते हैं कि अपने माइंड को बिल्कुल भ्रष्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आपकी एनजाइटी की शुरुआत हो जाती है। काफ़ी लोगों का फियर ऑफ डेथ भी होने लग जाता है इसी चीज़ में, कि मैं मरने वाला हूँ, अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो भाई ये सारा एक ना मेंटल गेम है, ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है परहेज, वो सब आपको मैं वीडियो में धीरे धीरे बताता रहूँगा, बट मेन चीज़ आपको यही करनी है कि थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप करो चीज़ों पे, ठीक है,
और एनजाइटी से बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं है, बस लोगों को सही तरीके नहीं पता होता। तरीका पता लगने के बाद आपको अगर छोटी मोटी एनजाइटी है साल डेढ़ साल की, तो 15 से 20 दिन में आप नॉर्मल हो जाओगे। थोड़ी लंबी है तो वो काउंसलिंग सेशन थोड़े लंबे चलते हैं, पर नो डाउट सब लोग ठीक हो जाते हैं। भगवान ने अच्छी चीज़ भी बनाई है तो बुरी भी बनाई है, ठीक है? तो बुरा टाइम सबका आता है, सब चला जाता है। तो ठीक है, आप इन सब चीज़ों को इतना सीरियसली मत लीजिए, कुछ टाइम की बात है। ये ठीक होने के बाद आपको ऐसा लगेगा मैं कितना पागल इंसान था, मैं गधा था। आप अपने आप को गालियाँ बकोगे, मैं बता रहा हूँ, मेरे से लिखवा के ले लो कि आप अपने आप को गालियाँ बकोगे ठीक होने के बाद। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप मेरे को नीचे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और वैसे बाय द वे वीडियोस तो सब आपके लिए आती रहेगी धीरे धीरे। अगर किसी को जरूरत है कि मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा पर्सनल काउंसलिंग वगैरह लेनी है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो, नंबर वगैरह सब कुछ नीचे डिटेल में। थैंक यू, और आपके लिए वीडियो आती रहेगी यूट्यूब पे। तो सो एक दिन सब ठीक हो जाओगे, और इस चीज़ को यहाँ से अपने अंदर से निकाल के फेंकना है, ठीक है? हम लोग एक मिलके सब वो ले लो शपथ टाइप की, ये सब चीज़ों को निकाल के बिल्कुल फेंक देना है, ठीक है? और गूगल बिल्कुल नहीं करना है। चलो, थैंक यू।